India. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल wifistudy में. तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली 9:15 बजे अपनी एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है. आज जो है वो आपके हिंदुस्तान टाइम्स में है क्योंकि द हिंदू के अंदर इतने अच्छे वोकैबुलरी नहीं थे और इसलिए अपन हिंदुस्तान टाइम्स की कुछ वोकैबुलरी जो कि आज अपन कवर करेंगे. चलिए दोस्तों, सिंपल ट्रिक्स के साथ में कवर करेंगे ताकि आप आराम से उनको डेली लाइफ में काम में ले सकें और अपनी वोकैबुलरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में. ठीक है, आज का जो अपना पहला वर्ड है वो क्या है, वो है इमुलेट. इमुलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुकरण करना. अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो हम उसको इमुलेट भी कह सकते हैं. ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं सिनोनिम है मिमिक करना, कॉपी करना दिया हुआ है. इमिटेट करना को भी अपन क्या बोलते हैं, कॉपी करना ही कहते हैं. तो इमुलेट को अपन इतनी आसानी से याद कर सकते हैं कि आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट आने वालों की इमुलेट मत करो. तो सिंपल सी बात है यार, अच्छे काम के अंदर किसी की कॉपी करो तो समझ में आता भी है, लेकिन जो लेट आते हैं उनकी कॉपी करोगे तो क्या हो जाएगा, आप भी कैसे हो जाओगे, लेट बन जाओगे. तो लेट आने वाले लोगों की इम्युलेट मत करो, यानी कि कॉपी मत करो. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इम्युलेट को लेट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. ठीक है, आज इमेजेस यहां पर नहीं है तो आपको इमेजेस अज्यूम करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है यहां पर प्यूनिटिव. प्यूनिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पनिशमेंट, यानी कि दंडात्मक. इन्फ्लेटिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट. तो पैनल, रिट्रीब्यूटिव, कैस्टिगेटिंग तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी सब आसान है. एब्सॉल्व का मतलब किसी को माफ ही करना, रिप्राइव का मतलब भी माफ करना. ट्रिक देखिए, पुनित को पुनिटिव मिला. तो पुनित नाम का एक लड़का है, ठीक है, जिसको क्या मिला स्कूल कॉलेज के अंदर, क्या मिला, पुनिटिव मिला, यानी कि पनिशमेंट मिला. तो पुनित को आप क्या कर सकते हो, प्यूनिटिव से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सुबह उठने की इम्युलेट करो. हाँ बिल्कुल, नीरज की अच्छी ट्रिक है, यानी कि कॉपी करो सुबह उठने की, है ना. अहमक ने लेट आने वालों को इम्युलेट किया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. wifistudy की बातों को इम्युलेट करो, विकास कुमार ने भी बिल्कुल ठीक कहा है, है ना. तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट है मैलफिशियंस. मैलफिशियंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुराचार. अगर कोई गलत काम कर रहा है, एक पब्लिक ऑफिशियल है या कोई भी है जिसके अलावा जिसके द्वारा गलत काम किया जा रहा है तो उसको अपन मैलफिशियंस भी कहते हैं. डिलिक्वेंसी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, बाकी सब आसान है. ट्रिक देखिए, ओबीडियंस का एंटोनिम मैलफिशियंस. तो ओबीडियंस को मैलफिशियंस से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं. भाई मैलफिशियंस का जो उल्टा होगा ना वो ओबीडियंस होगा. ओबीडियंस तो आपको मालूम है, जिसकी बात मानना, अच्छे काम करना, उसको अपन ओबीडियंस कहते हैं. लेकिन मैलफिशियंस क्या हो गया, गलत काम हो गया. तो इस तरीके से ओबीडियंस को आप मैलफिशियंस से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं. ठीक है ना, और जल्दी से शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप के अंदर और अपने ग्रुप के अंदर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लें. सारे मैलफिशियंस नहीं होते, अंशुल पांडे की ये भी अच्छी ट्रिक है. हाँ बिल्कुल ठीक है ना. चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट यहां पे एक्सेसरबेट. एक्सेसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खराब करना. किसी भी चीज को खराब करने को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेसरबेट कहते हैं. और यहां पे एक्सेसरबेट के अलावा एक्सेपरेट भी अच्छा वर्ड है. एम्यूलियरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, असॉच का मतलब इंप्रूव करना, ये दोनों वर्ड भी अच्छे हैं आपके लिए.
ट्रिक देखिए, अब और एड करोगे तो एक्सेसरबेट हो जाओगे। तो एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी ठीक है 100 केजी का है ना, अब 100 किलो का पहले से है, उसके बाद में और बर्गर वर्गर और एड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, एक्सेसरबेट का हो जाएगा, यानी कि और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब और एड करोगे तो एक्सेसरबेट हो जाओगे, तो एड को एक्सेसरबेट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिक्रमण करना या फिर घुसपैठ करना। ठीक है, किसी भी चीज को घुसपैठ करना, अतिक्रमण करना, ठीक है, ट्रेसपास का केस लगता है ना, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, यूसफ भी अच्छा वर्ड है, इंफ्रिंचमेंट अच्छा वर्ड है। ठीक है, सबका मतलब है घुसपैठ करना, अतिक्रमण करना इलीगल तरीके से। ठीक, देखिए पनिशमेंट मिलता है एनक्रोचमेंट करने पे, तो पनिशमेंट को आप क्या कर सकते हो, एनक्रोचमेंट से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बिना अगर वहां पे अतिक्रमण करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा कोर्ट के द्वारा, तो क्या कर सकते हो, पनिशमेंट को एनक्रोचमेंट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है, इन करना एनक्रोचमेंट करना एक ही बात है, सोनू कुमार ने कहा है। 1500 क्वेश्चन का करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं मिला, चुटकी सिंह बोल रहे हैं 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, 300-400-500 क्वेश्चन का मिलेगा, जो कि मैंने सैटरडे को बनाया था, सैटरडे वाला वीडियो देखिएगा वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन पे, उसी के साइड में आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, एक्स को बुलाना एक्सेसरबेट है, ऐसा एक बच्चे ने कहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका वोकैबुलरी है वो है यहाँ पे अपेंडेज। अपेंडेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है जोड़ी हुई वस्तु। अगर आप किसी भी चीज को जोड़ रहे हो ठीक है, तो उसको अपेंडेज अपन कहते हैं। अडंडन अच्छा वर्ड है, एडजर्ट अच्छा वर्ड है, बाकी सब सिंपल एक्टिव देखिए। अपन लोग मिलकर अपेंडेज कर लेंगे साइकिल को। तो ऐसा होता था ना कि बचपन के अंदर की दो बच्चों की अगर साइकिल किसी की टूट गई है तो दो बच्चे आपस में मिलकर साइकिल को जोड़ने लगते थे, ठीक है, कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके। तो अपन लोग, वो बच्चा क्या बोल रहा है कि अपन लोग मिलकर क्या कर लेंगे, अपेंडेज कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे इस टूटी हुई साइकिल को। तो अपन को अपन क्या कर सकते हैं, अपेंडेज से कोरिलेट करके अपन उसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अपन लोग क्या कर लेंगे, अपेंडेज कर लेंगे, यानी कि इसको मिला लेंगे साइकिल को वापस से जो साइकिल टूट गई है। तो उम्मीद करता हूं अपेंडेज का मतलब होता है जोड़ना, जो कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंपॉलर। इंपॉलर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना। सॉलिसिट अच्छा वर्ड है, बिसीच अच्छा वर्ड है, प्रार्थना करने को कहते हैं, बाकी सब आसान है। ट्रिक देखिए, इंपॉर्टेंट चीज के लिए पेरेंट से इंपॉलर करते हैं। सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो अगर आपको चाहिए होती तो आप पेरेंट्स से क्या करते हैं, इंपॉलर करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट को इंपॉलर से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। इंपॉलर का मतलब क्या हुआ, प्रार्थना करना। बिसीच जो है वो ज्यादा अच्छा वर्ड है पेपर में, ये ज्यादा आता है वैसे, है ना, तो इंपॉलर को आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पर। स्पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। अगर किसी को एंकरेज कर रहे हो तो उसको अपन स्पर कहते हैं। प्रॉड अच्छा वर्ड है, बाकी सब आसान है। ट्रिक देखिए, इस बार हमें स्पर मिला है, तो इस बार जो आपको स्पर मिला है, क्यों मिला है स्पर, क्योंकि वाईफाई स्टडी आपके साथ में है, ठीक है, वाईफाई स्टडी से आप पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेटेडली क्लासेस कर रहे हो, तो इस बार तो अपने को क्या मिल गया, स्पर मिल गया। इस बार हमें स्पर मिल गया, यानी कि मोटिवेशन मिल गया, इस बार तो पेपर क्लियर करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बार को स्पर से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। स्पर का मतलब हुआ किसी चीज को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है फैकेट। फैकेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा करना। यहाँ पे दो तीन वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने है, अब देखिए ट्रिक। कैंडिडेट भी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है जो बहुत ऑनेस्ट होता है। किसी का फेस जो है वो फिकेट होता है, तो किसी का फेस कैसा होता है, फिकेट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला होता है। तो अगर आप क्या करोगे, फेस को अगर फिकेट से कोरिलेट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिखावा करना। लास्ट वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब है ऊंचा नीचा, कोई भी चीज जो कि ऊपर नीचे है उसको अपन लॉपसाइडेड कहते हैं। असिमेट्रिकल, अनइवन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। साइड में से रोड लॉपसाइडेड है, तो आपको मालूम है ना कई बार जो रोड होती है वो साइड में से ऊपर नीचे होती है, तो वो साइड को अपन क्या बोलेंगे, लॉपसाइडेड साइड कहेंगे। तो साइड में से रोड कैसी है, लॉपसाइडेड है, यानी कि एक तरफा है, ऊंची नीची है। तो इस तरीके से भी आप लॉपसाइडेड को भी आसानी से याद कर सकते हैं। मैच द कॉलम से रिवाइज भी कर लेते हैं दोस्तों एक बार। इम्यूलेट, लेट आने का किसी को साथ इम्यूलेट मत करो, यानी कि कॉपी मत करो। नेक्स्ट पिनिटिव, जल्दी से बताओ मुझे कैसे याद किया था आपने पिनिटिव को, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको पिनिटिव कैसे याद किया था। अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए याद करो पुनीत से क्या था, पुनीत को क्या मिला, प्यूनिटी मिला यानी कि पनिशमेंट, ठीक है, दंड को कहते हैं मेलफिशियंस, कैसे याद किया था, ठीक है, मेलफिशियंस को कि ओबीडियंस का उल्टा क्या होता है, मेलफिशियंस होता है यानी कि कोई भी चीज जो कि बहुत ही खराब होती है। एक्सासर्बेट, अब और एड करोगे तो कैसे हो जाओगे, एक्सासर्बेट हो जाओगे यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो जाओगे, ठीक है, दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं वैसे। एनक्रोचमेंट, तो पनिशमेंट मिलता है अगर आप एनक्रोचमेंट करते हैं, तो एनक्रोचमेंट का मतलब क्या हुआ, अतिक्रमण करना किसी की प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपेंडेज, तो अपन लोग मिलकर क्या कर लेंगे, अपेंडेज कर लेंगे यानी कि किसी भी चीज को जोड़ना। इम्पोलर, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने को पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें से हम क्या करते हैं, इम्पोलर करते हैं यानी कि प्रार्थना करना, बिसीज भी मैंने आपको बताया था। इस बार हम क्या कर लेंगे, इस बार हमें इस पर मिला है यानी कि मोटिवेशन मिला है। नेक्स्ट है फैसेट, कुछ फेस कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं यानी कि फैसेट होते हैं। साइड पैसे रोड कैसी, लूप साइडेड है यानी कि ऊपर नीचे है। तो इस तरीके से आप इन दोस्त वोकैबुलरी को रिवाइज कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें एंटोनिम्स, तो मैंने आपको दिया था डॉम, ड्रॉम का जो एंटोनिम होता है वो ऑफिस होता है, ठीक है। साथ में आज के वर्ड की बात करें, ट्रिक बनाओ तो जाने की, तो आयुष और चुटकी ने दो अच्छी ट्रिक बनाई आर्केन की। आर्केन का मतलब होता है कि जो कुछ ही लोगों के द्वारा जानी जाती है, रहस्य जिसको हम कहते हैं। केन की कंडीशन बहुत आर्केन है, तो केन से इन्होंने आर्केन को याद कर लिया है। इस आर्ट में आर्केन छिपा है यानी कि बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का जो वर्ड है वो मैं आपको ट्रिक बनानी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, डिडोलेंट। डिडोलेंट आज का वर्ड है जो कि आपको इसकी ट्रिक बना के कमेंट करना है। पैराग्राफ फॉर्मेशन की बात करें तो दीपू और आकाश ने दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है, आप देख सकते हैं सारे वोकैबुलरी इन्होंने कोरिलेट करके याद करे हैं। तो दोस्तों आज के लिए करता हूं, वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। और 5 मिनट में 2 मिनट में आपकी जो CBE 2 है उसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।